के बढ़ड़वा प्रखंड मुख्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शहर से ही ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को इस भीषण गर्मी में शुद्ध पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दरअसल प्रखंड मुख्यालय में पानी के लिए पाइप तो लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई। हालांकि BDO समीर अल्फ्रेड मुर्मू शुद्ध पेयजल को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना मुश्किल ही दिख रहा है। विगत लगभग 5 माह पूर्व में मैंने भी वहाँ देखा था कि पेयजल का सुविधा उपलब्ध नहीं था। हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचकर तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलवाकर वर्तमान में जो पानी टंकी से चल रहा था उससे एक पाइपलाइन करवा करके मैंने एक टेप का व्यवस्था वहाँ करवाया था, ताकि गरीब लोग जो पानी खरीद कर नहीं पी पाते हैं उन लोगों को पेयजल के लिए सुविधा हो। लेकिन मुझे भी सूचना प्राप्त हुआ है कि वो टेप जो है अभी विगत कुछ दिनों से उसमें पानी नहीं आ रहा है। मैंने आज ही संबंधित पदाधिकारी से बात किया है और उनको तत्काल निर्देश दिया है कि कल किसी भी हालत में वो टेप चालू होना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो वहाँ मुख्यालय में आता है वो पानी उसका पी सके। और हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि वहाँ ग्राउंड में एक अच्छा बोरिंग हो, जिससे आने वाले लोगों को प्रखंड मुख्यालय और अंचल जो आते हैं पानी पीने में उन लोगों को असुविधा होता है, तो उन लोगों के सुख सुविधा के लिए हम बहुत जल्द वहाँ एक बोरिंग हम लोग करवाने वाले हैं। और वो बोरिंग हो जाने से लोगों की ये पेयजल की समस्याएं